service of Indian English, right? Yes. The camera part. Yeah. So start with an introduction and tell us something about My Heart Will Go On album. What really motivates you to produce and get the album? I think my co-producer will tell about this better. Okay, so this is Ram's debut as a director. She's my niece, Saina Shah, from Kenya. और यहाँ जब बॉम्बे में वो लोग आए थे अभी रिसेंटली, सो वी वर इन द सेम फंक्शन एंड राम्स मेट अस, आई मीन वी नो ईच अदर, एंड शी वाज सिंगिंग ऐसे अच्छे मूड में, तो ही केम एंड ही सेड टू अस, ओ अच्छा गाना गाती है, यू शुड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, यू नो, एंड दैट वाज इट. And then I think few days later kuch baat nikli, so we contacted him and said, what do you think? And he said, yes, sure. And he said, I'll direct it. So the story went like that, you know. Achi bahut talented thi aur usme matlab usme ek spontaneous jo uski energy thi bahut hi zabardast thi, aur us bachchi mein ek alag hi khaas baat hai. Aur mujhe lagta hai ki is bachchi ka future hi bahut alag hai. आप अभी अनफॉर्चुनेटली वा नहीं पाए बिकॉज उसके नाना वेल नहीं है. आई विश शी कुड बी हियर. तो नाना से बहुत अटैच है वो, तो इसलिए आ नहीं पाई. लेकिन जब आप बच्चे से मिलेंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि वो बच्ची एक्चुअली बहुत ही अलग है, मतलब बहुत वो अलग ही है. वो एक्चुअली पता नहीं आप लोग को मालूम है, लेकिन शी इज़ अ गुजराती गर्ल, इंडियन, एंड शी हैज़ एन अल्बिनो चाइल्ड. सो यहाँ इंडिया में और अफ्रीका में अल्बिनिज्म इतना फैला हुआ नहीं है. पीपल आर नॉट सो एजुकेटेड एंड अवेयर व्हाट इट इज़. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में सबको मालूम है. इट इज़ अ जेनेटिक थिंग, मेलानाइन, यू नो, मतलब उनकी आँखें बहुत कमज़ोर है. दे कांट सी वेरी वेरी वेल, स्पेशली धूप में, दिन में. स्किन ऑल्सो विद द सन, दे हैव टू हैव स्पेशल क्रीम्स. इज मैनी 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 थिंग्स. बट शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइल्ड. ओके, एंड राम गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद हर. एंड जिस तरह से उन्होंने जो डायरेक्ट किया है धूप में, हाउ ही हैंडल्ड हर, आई हैव टू जस्ट से हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी. And she is a special child. She has a lot of qualities. Abhi recently Africa mein election ke time pe bhi they called her in the TV, and she asked everybody, let's have a peaceful campaigning, you know, which was very nice. People liked her. So she is talented. Abhi young hai, and we see aage ki bhavishya. Both of the album have English titles. What or kya hai pura gana jo bol sakte hain? सी पहली बार जब उसके नाना ने उसको गाते हुए सुना तो टाइटेनिक गाना है, पूरी दुनिया में फेमस है, तो उसने गाया ऐसी तो अच्छा लगा गाना. तो वो जब गाना गा रही थी वाले पहली बार मैंने भी सुना तो मुझे लगा अच्छा गाना है, व्हाई नॉट यही गाना करते हैं. तो टाइटेनिक मूवी गाना है, बहुत वर्ल्ड वाइड नोन है, और उस बच्ची को भी अच्छा लगा. तो मतलब जो बच्ची को चीज़ पसंद है वही करते हैं, और दिल से कर रही है, और अच्छा दिल से गाया उसने, तो ये गाना इसलिए किया. सेकेंड लोकेशन गोरे बीच पे हुआ था, बॉम्बे में ही हुआ था, और दो दिन शूट किया था हम लोगों ने. जैसा कि पहला गेन बताया उन्होंने ऑलरेडी कि बच्ची को दिन में दिखता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही चैलेंजिंग था वो. मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था जिस तरह से उसके नखरे भी थे, जिस तरह से, मतलब एक फ़नी मोमेंट बताता हूँ. एक बार हम शूट का पूरा सेट लगा था, क्रोमा का पूरा सब सेटअप किया, तो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का शूट था. तो उसने बोला, नो नो आई डोंट वांट टू शूट राइट नाउ, मेरा मूड नहीं है. तो मैंने जस्ट प्लीज़ गिव हर टू मिनट्स, कहते नो आई डोंट वांट टू गिव इवन फॉर टू मिनट्स. वो लड़की छोड़ के चलेगी लोकेशन से, उसने मुझे दो मिनट भी नहीं दिया शूट करने के लिए. सो वी आई हैड टू वेट टिल इवनिंग फॉर दैट. कहानी ये कि मतलब एक नेचर से मेरा बहुत लगाव रहा है शुरू से, और मेरे मन में कुछ विजुलाइज थे, मतलब शूट्स के एक लोकेशन थी मेरे दिमाग में कि एक मतलब गाउन होगा, बहुत एक ब्यूटीफुल कोई लड़की पहाड़ के ऊपर है, उसका गाउन हवा में उड़ रहा है, और उसका एक उसकी ब्यूटी को प्रेजेंट करना, उसके इमोशंस को प्रेजेंट करना. तो उस गाने में ऐसा कुछ ऐसी स्टोरी लाइन तो नहीं रही है, बट एक नेचर को कनेक्ट किया है मैंने, थोड़ा बच्ची की ब्यूटी दिखाई है, और बच्ची बहुत डिफरेंट है, डॉल लगती है, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा. रिलीज़ का तो बस यही कि आज गाना है ऑलरेडी बहुत बड़ी सिंगर ने गाया है वर्ल्ड वाइड, पता ही आप लोगों को, टाइटैनिक का गाना है, तो कोई कंपनी तो उसके साथ जुड़ नहीं सकती है, कोई एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी लॉन्च कर नहीं सकती, गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है.
बट अब सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, प्रमोट करेंगे उसको, आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए, बस यही है, जितना शेयर करेंगे लाइक करेंगे लोग तो बस वही है। ऐसे कुछ खास कठिनाई मतलब कठिनाई नहीं आई मेरे को, मेन तो बस ये कि बच्चे पता ही आपको वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, उनको जो खाना चाहिए वही चाहिए, जो ज़िद करना है यही करना है, तो उनकी ज़िद है, उस ज़िद को थोड़ा हम हमारे हिसाब से हमको समझना चाहिए और उस ज़िद को बहुत प्यार से हैंडल करके उनसे काम निकलवाना चाहिए, जैसा कि हम घर में सब करते हैं बच्चों के साथ। बैकग्राउंड तो मेरा कुछ भी ज़्यादा एक्टिंग नहीं रहा है मेरा, और मैं मॉडलिंग करता था इंडिया के बाहर, 7 साल बाहर रहा करीब, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं जैसे डॉल्चे गबाना है, अरमानी है, गुच्ची है, गेस, मासिमो दुती एंड ऑल, और उसके बाद बॉम्बे आया, एक्टिंग कोर्स किया, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग में कुछ हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक मौका मिला इनके वजह से कि चलो आप वाई नॉट इसमें भी ट्राई करो, मैंने सोचा कि चलो आज इसमें भी ट्राई करा जाए, सो दैट्स इट इज़ माई फर्स्ट ट्राई। वो एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड का फ्रेंड है, उनका पहचान है, तो उनके वजह से हम मिले हैं। एक फीलिंग आ जाती है, यू नो, जो आई बिलीव के वाइब्रेशन, जब भी किसी को भी मिलते हैं ना तो उनको एक मौका तो देना चाहिए, लेकिन एक फीलिंग आ गई थी उनके, मतलब पैशन और कितने कन्विक्शन से उन्होंने जिस तरह से बोला कि ये तेरे पास है आइडिया, किस तरह से वीडियो बनाना है, वो ये साइना के साथ किस तरह से हैंडल करना है, तो उनके पास जो था इट साउंडेड वेरी वेरी नाइस, तो फिर और बहुत कम दिनों में उन्होंने वो वीडियो भी बना ली, आई थिंक हार्डली 2 डेज में, राइट? या और सॉरी बट इट वॉज मानसून टाइम ऑल्सो, तो यू कैन सी दैट बिग चैलेंज अगेंस्ट, यू नो, यस। आउट इन द वर्ल्ड हो सकता है किसी ने, बट पता नहीं वीडियो बनाई है कि नहीं किसी ने, वो नहीं देखा मैंने कभी। आपने जैसा भी आपने कहा कि राम जैसे राम सदन जैसे कुछ फीलिंग आ गई थी कि गाना अच्छा बना, आपको उम्मीद थी क्या उस पर खड़े होते हैं? हाँ, फुल फेथ, फुल फेथ, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन वेरी मच। I have, yes, I have, I myself have acted in 3 films recently, short films, festival films, and all content based. So first film about a mind, international film festival mein we got 15 awards, usme bhi co-producer bhi thi aur actor bhi. And second film which is going to be released about old age people, neglect nahi karna chahiye, aur bhi recently my third film was released, it's a girl, about girl child. We're showing can still today's world that aaj ke zamane mein middle upper class families mein bhi ke unko ladka chahiye first waris, you know, to us base ke upar it's a girl. So yes, creatively, so I guess I think I had that intuition when I met Ram. Future is to make good content based films, programs, videos, so that it can be shown public mein, awareness, wo mujhe bahut acha lagta hai, aur mujhe ye Saina ke liye, kyunki ye awareness I want to show people in India, in Africa, in countries where there is not so much awareness, ke ye albinism mein, matlab she's a normal child, you know, and I think Ram and I, we have got future plans unke liye, right? I think aap bata sakte ho. Actually, iske piche ek choti si kahani bhi hai. Meri behan ki khud bachchi hai, usko bhi thoda sa aisa white ka skin ka problem hai, to usko maine bachpan se dekha hai, to thoda sa kahin na kahin society mein unko accept nahi karte hain, ek comfort nahi hote hain log, unko us dekhte hain alag nigah se dekhte hain, alag log hain, अलग स्किन है, अलग मतलब दिखते हैं लोगों को, तो वो चीज़ मैंने खुद महसूस भी करी थी, तो ये मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी था कि उस साइना से मेरा जल्दी बात करना वो होना, बट उसके अलावा उसके अंदर जो बहुत खूबियाँ थी वो मुझे उसको मिलने के बाद पता चली, उससे बात करने के बाद पता चली, तो जो ऐसा ही नहीं कि ये लोग अलग होते हैं या हमारी तरह होते हैं, तो फिर मैंने इसके बारे में और पढ़ा और रिसर्च किया, देखा तो पता चला कि इंडिया के अंदर भी करीब 2 लाख के करीब लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं इस चीज़ से मतलब, और उनको
और एक और चीज़ मैंने बहुत पढ़ी जो बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, तो मैं एक्चुअली सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों के लिए आज से बहुत साल पहले लोग सोच रहे थे कि एक नया आइलैंड बनाएंगे, तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग कि मतलब आप एक नया आइलैंड बनाएंगे, लोगों को वहाँ भेजेंगे, अरे कम ऑन, आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं, सब लोग इंसान हैं, कोई अलग थोड़ी हैं लोग ये, तो वो पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा था सोच देख कर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इंसान के वो ये वीडियो से ही लिया गया है, एक वीडियो का हिस्सा है, तो अभी मैं आपको कुछ देर में आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो में जो शूट हुआ है उसी का ये हिस्सा है, उसका एक फ़ोटो निकाला गया है। ये हम आजकल तो आप जानते हैं डिजिटल टाइम है, तो यूट्यूब पर हम इसको अपलोड करेंगे, तो उस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये साइना शाह के नाम से उसका खुद का चैनल है, जो बच्ची है उसका खुद का चैनल है साइना शाह, आप उस पर प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी करिए, तो आपका बहुत आभारी होंगे हम।